गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप हरिवंश राय बच्चन जी की अगली कविता पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता की रचना कवि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना निशा निमंत्रण से ली गई है। मतलब यह कविता हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है निशा निमंत्रण, उससे अवतरित की गई है। तो इस कविता में कवि ने क्षण प्रति क्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता कहते हैं, व्याकुलता, बेचैनी, उसे दिखाया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे या प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता का अर्थ होता है व्याकुलता, बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। वह अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे यह संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा कहते हैं आशा को, नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों, पर का मतलब है पंख, और चंचलता का मतलब है तीव्रता, व्यग्रता, गतिशीलता, जब तेजी आ जाए पैरों में या परों में, या चिड़ियों की बात है तो इससे परों में तेजी आ जाए। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देता है। कवि कहता है कि दिन को जल्दी से समाप्त होता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे, चिड़ियों के पंख और अधिक चंचल होते हैं अर्थात वे और तीव्रता से अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूं किसके हित चंचल। यहाँ कभी अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण, क्योंकि उसकी लौटने की प्रतीक्षा कोई करने वाला नहीं है, तो इसलिए कभी यहाँ अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहता है कि जिन दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है लेकिन उससे मिलने के लिए कोई भी विकल नहीं है अर्थात कोई भी व्याकुल नहीं है, इसलिए वह किस लिए शीघ्रता करे, किसके लिए शीघ्रता करे, किसके लिए जल्दी जल्दी जाए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो प्रश्न है कि वो किसके लिए जल्दी जल्दी जाए, यह प्रश्न उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है। शिथिल करना माने कम कर देता है, तथा हृदय में व्याकुलता और विवलता कहते हैं बेचैनी को, उसकी भावना को बढ़ा देता है। वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। संसर्ग का अर्थ होता है साथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय शीघ्रता से बीतता जा रहा है और ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल और लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए कोई भी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, वह अकेला है, तो उसका कोई प्रियतम होना चाहिए था, ऐसा कवि सोच रहा है, ताकि वह भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आतुर हो सकता,
उसके पैरों में भी उतनी ही तेजी आती अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी कि उस रास्ते पर चलने वाले पंथी, पंथी कहते हैं राही को, जो रास्ते में चलने वाला होता है। जैसे उस पंथी के पैरों में तीव्रता थी, व्यग्रता थी, ऐसी चिड़ियों को अपने बच्चों से मिलने की जल्दी थी, तो उनके परों में तेजी आ गई थी और तीव्रता से अपने घोंसलों की ओर उड़ने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसी कभी भी चाहता है कि यदि उसका कोई होता, उसका कोई प्रिय उसकी इंतजार कर रहा होता, तो वह भी शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करता। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी अकेला है।